बस इस सैटरडे को इंशाल्लाह जो है ये हम स्टेडी स्टेट एरर और रूट लॉकर्स का इंशाल्लाह क्विज करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम भी अभी जो है वो शॉर्ट है, और उस दिन मैं आपको मिड टर्म के आपके पेपर्स भी इंशाल्लाह दिखा देता हूँ जो मैंने सारे चेक कर लिए। और अभी हम जो है ना बस ये जो आखिरी पॉइंट है बिल्कुल रूट लॉकर्स का, इसको हम फिनिश करते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम्स है, आप जरूर मुझसे फिर पूछ लेगा, डिस्कस कर लेगा इंशाल्लाह। हमें जो आज चीज समझनी है वो गेन निकालना है रूट लोकस का एट अ सर्टेन पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले मैटलैब की विंडो में खोल लेता हूँ और वहां से मैं बहुत बेसिक सा एक जो है ना रूट लोकस किसी भी चीज का प्लॉट कर देता हूँ, और ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अब ये मैटलैब खुल जाए थोड़ा सा, ताकि फिर ये के हम जो अभी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम गेन निकालेंगे एट अ सर्टेन पॉइंट। तो गेन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी रूट लोकस बनाएं और फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन लेता हूँ टी एस इज इक्वल टू टी एफ, और सपोज उसके अंदर एक जीरो हो गया और उसके अंदर दो पोल्स हो गए, और ये ट्रांसफर फंक्शन है s+5 और s² + 2s+2। तो ये एक आर्बिट्री कोई भी मैंने जो है ना वो एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया। बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना है कि जो पॉइंट हम अभी कंप्यूट करने जा रहे हैं कि गेन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द रूट लोकस, इसका मतलब क्या होता है। अब ये मेरे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जिसपे मेरे पास ये स्टेप रिस्पॉन्स आया, और इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी मतलब थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ कि जी इसका पीक टाइम और सेटलिंग टाइम और राइज टाइम। तो इसका ओवरशूट अभी मेरे पास आ रहा है तकरीबन 13.9% इसका ओवरशूट आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ उसका रूट लोकस देखूँ तो ये मेरे पास का रूट लोकस है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ गेन एट अ सर्टेन पॉइंट, तो अभी मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ कि सिस्टम का गेन यहाँ पे, मैं यहाँ से इसका गेन जो है ना इसका चेंज कर सकता हूँ। इसका गेन ये जो है ना, ये मेरे पास जो मैं इसको अपने माउस से ये पोल की लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, तो डिफरेंट पोल लोकेशंस पे आपके पास इसका डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा, डिफरेंट बिहेवियर आएगा सिस्टम का, ठीक है। तो अब मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे, मतलब ये कोई एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया अपने माउस को, और ये मेरे पास क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन है जिसपे मेरे पास ये स्टेप रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज 11.5% ओवरशूट है। अब मुझे कहा जाता है कि जी इस पे गेन निकालो सिस्टम का, कि सिस्टम का गेन के क्या है, जो कि मेरे पास जैसे यहाँ पे 9.4376 आया है, तो ये मैं कैसे डिटरमिन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है, आप में से कौन मुझे इसका जवाब दे सकता है। यहाँ पे मैंने इसका अभी ग्रिड ऑफ कर दिया, ठीक है, इस रूट लोकस का मैंने ग्रिड जो है ना ऑफ कर दिया। जब मैंने इसका ग्रिड ऑन किया तो इसने पीछे मुझे जो ग्रिड दिया है वो, उस पर आपके पास ये रेडियल लाइंस हैं और ये बड़े बड़े सर्कल्स हैं। ये रेडियल लाइंस क्या हैं और ये सर्कल्स क्या हैं, कोई आप मुझे जवाब दे सकता है इसका? मैं
मैं दोबारा अपना सवाल रिपीट करता हूँ, ये चैप्टर फोर का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये कि इससे अंदाजा होता है कि आप लोगों की नॉलेज इसके सिस्टम की है या नहीं है। ये मेरे पास एक रूट लोकस है ऑफ एनी सिस्टम, इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये चैप्टर फोर के अंदर ये मैंने सबसे पहली चीज ये समझाई थी, ये ग्रिड लाइंस बनी हुई इसकी जो डॉटेड आपके पास लाइंस हैं पीछे, इसके बारे में आप में से कोई बता सकते हैं ये क्या लाइंस हैं, क्या कुछ है ये? सर ये ओमेगा एन है, सर्कल ये ओमेगा है, ये सर्कल आपके पास ओमेगा एन है, वेरी गुड। और ये जो लाइंस हैं सर ये जीटा, जीटा की लाइंस है, वेरी गुड, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप में से कुछ को आइडिया है इस चीज का? तो लेट मी ड्रॉ दिस वन, कि जी ये जो रेडियल लाइंस हैं, ये लाइंस या आपके पास कांस्टेंट जीटा लाइंस हैं, मतलब क्या कि जी इस पर आपके पास एंगल इसका फिक्स्ड है, थीटा की कोई वैल्यू होगी और जीटा की कोई वैल्यू होगी इस पे, ठीक है, ये मतलब होता है यहाँ पे रूट लोकस में, जो आगे हम बहुत यूज करेंगे इसको भी कंट्रोलर डिजाइन में। और सेकेंड आपके पास जो चीज है दैट आर द सर्कल्स, सर्कल आपके पास कौन से हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये वाले सर्कल है, या डिफरेंट ओमेगा एन है, ये डिफरेंट ओमेगा एन की वैल्यूज है। तो ये चैप्टर फोर मैंने समझाया था कि ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और उसके अंदर आपके पास रेडियस है, जो रेडियस आपके पास जो आएगा वो आपके पास ओमेगा एन से आएगा क्योंकि ओमेगा एन सर्कल्स है, और एंगल्स हैं आपके पास, तो एंगल्स आपके पास जो है ना ये ग्रीन लाइंस हैं आपके पास थीटा या जीटा की जो लाइंस है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, और जो पॉइंट आज डिस्कस करना है वो सिंपल ये डिस्कस करना है कि ये जो पॉइंट आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल जो पिंक पॉइंट है, इस पर गेन मैं कैसे निकालूंगा, इस पर मैं गेन कैसे निकालूंगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है गेन का, वो फॉर्मूला ये होता है के विच इज द गेन ऑफ द सिस्टम ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम एट एनी पॉइंट इज, ये जो आपके पास पाई का साइन है, पाई मीन्स यू मल्टीप्लाई ऑल द पोल लेंथ्स एंड यू मल्टीप्लाई ऑल द जीरो लेंथ्स, यू गेट द गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे करवाता हूँ, उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस सिस्टम, ठीक है, मैं सिर्फ अभी ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि गेन कैसे निकालते हैं, फिर हम बाकी चीज बाद में देखेंगे कि पूरा रूट लोकस हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, हो सकता है इस एग्जाम्पल का हमने पहले किया हुआ हो। तो मेरे पास ये सिंपल सिस्टम है जिसके अंदर दो पोल्स हैं, दो जीरोस हैं, और मैं यहां लिख देता हूं कंप्यूटिंग गेन के एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द रूट लोकस। अच्छा ये कि मेरे पास ये पोल जीरो इसका मैप हो गया, आपके पास ये पोल्स हैं जीरोस हैं, और इसका जो रूट लोकस बनेगा वो कुछ इस तरह करके रूट लोकस बनेगा, या के पास पोल्स यूं मूव करेंगे और अल्टीमेटली ये जाके यहाँ पे एक यहाँ पे डाई कर जाएगा, यहाँ पे डाई कर जाएगा। तो सिंपल आपके पास इसका रूट लोकस है ये। अब यहां पर मुझे कहा जाता है कि ये मेरे पास एक पॉइंट है ऑन द रूट लोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं माइनस टू प्लस, ये वाले आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट मी राइट दिस वन, माइनस टू प्लस जे, आई थिंक इट इज दिस वन। तो ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑन द रूट लोकस। इसका क्या मतलब बना कि अगर मैं सिस्टम का गेन जो है, ये जो गेन के आपके पास है, इसकी वैल्यू बढ़ाना शुरू करूंगा तो कोई ऐसा गेन जरूर आएगा, कोई ऐसी वैल्यू जरूर आएगी कि मेरा लोकस यहां पे पहुंच जाएगा। मिसाल के तौर पे वो ये पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये वाला पोल यहां पे चला जाएगा, एक सेकंड पोल यहां पर आ जाएगा। अब मुझे आई वांट टू कंप्यूट द गेन के
एट दिस पॉइंट। अब ये गेन के मैं कैसे निकालूंगा, ये गेन जो मैं निकालूंगा ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जैसे मैंने एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर के अंदर ट्राइंगल्स बनाए थे, यहाँ पे भी हम ट्राइंगल्स बनाते हैं और फिर ट्राइंगल्स बनाने के बाद फिर हम इसका गेन निकालते हैं। ठीक है, तो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। I'll redraw ताकि ये के थोड़ा मतलब ये के हम इसको क्लियरली बना सकें इसको। तो ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर, ये मेरे पास पोल पोल आई हैव अ जीरो आई हैव अ जीरो, और जो मेरे पास जो लोकेशन है दैट इज माइनस टू प्लस जे, और आई कैन सिंप्लीफाई दिस वन एज माइनस टू प्लस जे ओवर अंडर रूट टू। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया। लेट सपोज मैं अपनी तरफ से इसको मार्क कर देता हूं क्योंकि मुझे तो सिर्फ ड्राइंग के लिए चाहिए। आई सपोज दिस इज द पॉइंट, विच इज माइनस टू प्लस जे ओवर अंडर रूट टू। अब मैं यहां पे जो है ना मुझे ट्राइंगल्स बनाने हैं, मैं ट्राइंगल सबसे पहले बनाता हूं, सबसे पहले बल्कि नॉट द ट्राइंगल्स, पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं। लेंथ, लेट कॉल दिस लेंथ पी वन, ये पोल वन की लेंथ है टू दिस पॉइंट, ये पोल टू की लेंथ है टू दिस पॉइंट, ये जेड वन जीरो की लेंथ टू दिस पॉइंट एंड दिस इज जेड टू। तो मेरे पास ये चार लेंथ है जो मुझे निकालनी है, जो मैं निकालूंगा ट्राइंगल से और पाइथागोरस से मैं निकालूंगा, ये चार लेंथ मुझे निकालनी है। और मेरे पास फॉर्मूला क्या, आई हैव दिस फॉर्मूला, के इज इक्वल टू होल लेंथ, तो द फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू पाई होल लेंथ। पाई का मतलब होता है जिस तरह सिग्मा का मतलब होता है समेशन, पाई का मतलब होता है यू मल्टीप्लाई एंड द जीरो लेंथ। इसका क्या मतलब बना, यहाँ पे अगर फॉर्मूला में लिखता हूँ पी वन मल्टीप्लाई बाई पी टू और जेड वन मल्टीप्लाई बाई जेड टू, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बना। अब मैं पी वन कंप्यूट करूंगा, पी टू जेड वन जेड टू मैं इस फॉर्मूले में इंसर्ट करूंगा, आई डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सबसे पहले आई मेक द फर्स्ट ट्राइंगल, ये मेरे पास पोल हो गया विच इज लाइंग एट माइनस वन, और ये मेरे पास जो है वो पॉइंट है जिसकी लोकेशन है माइनस टू प्लस जे ओवर अंडर रूट टू। तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है दिस इज ऑल्सो माइनस टू क्योंकि एग्जैक्टली इसके नीचे लाई करता है, ये रियल जो आपके पास पॉइंट है ये माइनस टू हो गया। तो ये लेंथ मेरे पास है, दिस लेंथ इज वन, और ये लेंथ मेरे पास है वन ओवर अंडर रूट टू। अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं और मैं पी वन डिटरमिन करता हूं, पी वन तो पी वन इज क्योंकि बिकॉज इज राइट एंगल ट्राइंगल मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं इज इक्वल टू वन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई होप ये सब बातें क्लियर है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पी वन है वन प्लस वन ओवर टू थ्री बाई टू, तो इसका पी वन का क्या आंसर बना, व्हाट इज रूट थ्री बाई टू। आप में से कोई बैठा हुआ है आज क्या? सर आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा वेट अ मिनट, मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे शायद जो है ना सिग्नल्स थोड़े बेहतर हो जाए। लेट मी कंप्यूट दिस क्योंकि मुझे फिर कैलकुलेटर से मुझे दूसरे सिस्टम में कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करके बता दो P1 की क्या वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ
वरना जस्ट अ मिनट मैं इसको कंप्यूट करता हूं। सर 1.22 आ रही है। 1.22 दैट्स फाइन गुड। नाउ वी विल कंप्यूट, वी विल मेक द सेकंड ट्रायंगल। यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, क्योंकि हर जगह आपके पास वही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और नाउ द पोल लोकेशन इज -2। आई थिंक यहां पर एक मसला आएगा, क्योंकि यहां पे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे ये राइट ट्रायंगल नहीं बनेगा। आपके पास जो पोल है एग्जैक्टली वो -2 पे लाई करता है, और ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये लोकेशन आपके पास ये वाली लोकेशन है, और ये जो आपके पास है दिस इज -2 प्लस जे ओवर अंडर रूट 2। तो मेरे पास सिर्फ लेंथ, दिस इज जे ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 ओवर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 ओवर अंडर रूट 2, दैट इज 1 ओवर 2। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मैं इसको उसी फॉर्मूले से करूं, बेस का स्क्वायर, बेस इज 0 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर विच इज 1 ओवर रूट 2। तो पी 2 मेरे पास 1 ओवर रूट 2 है, दैट इज 0.707। आपको मेरी आवाज क्लियर है अभी? यस सर, अब क्लियर है। यस सर, दैट इज 0.707। तो मेरे पास पी 2 आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो इसमें से, उसे वर्टिकल लाइन थी तो वर्टिकल लाइन का आपके पास जो मतलब उसकी लेंथ है वो मैंने लिख दी यहां पे। नाउ वी मूव ऑन, और अब इसके बाद हम Z1 और Z2 कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो Z1 मेरे पास होगा दिस इज द जीरो विच इज लाइंग हेयर एट -3, और मेरा जो पॉइंट है That is -2 plus j over under root 2. तो मेरे पास ये लेंथ, दिस लेंथ इज 1 एंड दिस इज 1 ओवर रूट 2। वी अप्लाई द पाइथागोरस, और इसका भी वही आंसर बनेगा, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर, 1 प्लस 1 ओवर 2, and this comes out to be 1.22, जो आपने पहले मुझे बताया ये चीज सेम है। तो Z1 आपके पास ये हो गया, एंड वॉट इज Z2, वो -4 पे लाया करता है, तो आपके पास ये -4 हो गया एंड दिस इज Z2, और ये पॉइंट आपके पास हो गया -2 प्लस जे ओवर अंडर रूट 2, एंड Z2 इज इक्वल टू, आगे बाद लेंथ क्या बनी, ये आपके पास जो लेंथ है, वेट अ मिनट थोड़ा सा इसको मूव कर दू नीचे, तो मेरे पास दिस इज 2 एंड दिस इज 1 ओवर अंडर रूट 2, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर, 2.12 सर, दिस इज 4 1 ओवर 2, दिस इज 5 बाय 2। क्या इसका आंसर बना? 2.12। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे, अब मैं इनको इंसर्ट करता हूं आपके पास फॉर्मूले के अंदर, एक मिनट जस्ट अ मिनट, अब मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला, आई लाइक द फॉर्मूला हेयर, K is equal to P1 multiplied by P2 Z1 over Z2. तो आ गया P1 जो आपके पास है, that is 1.22,
और पी टू आपके पास आ गया 0.707 और जेड वन आपके पास आ गया 1.22 एंड 2.12. What you get is 0.707 divided by 2.12 जो के 0.333 something ये value आपके पास बनी यहाँ पे. तो ये gain की value है अगर poles आपके पास वहां पर होंगे. ठीक है, तो ये calculation हमें जरूरत पड़ती है आगे जब हम controller design पर जाएंगे. यहां पर अब हम इसको MATLAB से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई जब ये मेरे पास पॉइंट होगा तो मेरे पास सिस्टम का गेन क्या होगा. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लो. ये आखिरी पॉइंट था रूट लोकस का. मैं यहां पर आपको MATLAB से दिखा देता हूं और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी आपको समझा देता हूं. तो मेरे पास ये सिस्टम है 3, 4 और 1, 2. ये दो जीरोस की लोकेशन हो गई और ये दो पोल्स की लोकेशन हो गई. मैं ट्रांसफर फंक्शन यहां पे बनाता हूं. RL tool, yes. और यहां पे मैं अपने MATLAB में देखूंगा कि मैं उस सर्टेन पॉइंट पे उसको लेके जाता हूं. यहां पे मैंने इसका ग्रिड ऑन कर दिया, यहां पे भी इसका ग्रिड ऑन कर दिया. और यहां पर अब मैंने ये देखा कि मेरे पास एक मेथड तो ये है कि मैं अपने माउस से जो है ना मैं इसके पोल्स को लोकेशन को चेंज करूं और मेरी पोल लोकेशन जिसमें मैंने कैलकुलेशन की है दैट इज -2 और ये जे ओवर अंडर रूट 2 तकरीबन जो आपके पास बनेगा -2 प्लस 0.707 j. मतलब अगर यहां पे मैं इसको लिखूं दिस इज -2 प्लस 0.707 j जिसमें मैंने कैलकुलेशन की है. तो एक मेथड तो ये है कि मैं इसको यहां से मूव करूं और मैं यहां पे व्यू करूं मेरे पास पोल लोकेशंस क्या आ रही हैं. तो मैंने इसको मूव किया -2 और ये आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मूव कर रहा है और तकरीबन ये वैल्यू है इसकी. माउस से मैं इतना एक्यूरेट नहीं कर सकता. ये तकरीबन -1.99 और प्लस 0.699. तो इस वैल्यू पे आप देखो डैम्पिंग की वैल्यू भी आ रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ रही है. और अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन पे जाता हूं तो यहां पे ये मेरे पास इसको प्लॉट करके बता रहा है कि जी यहां पे इसका पीक रिस्पांस कितना है और इसका राइज टाइम सब कुछ यहां पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. और मैं सी पे जाता हूं तो 0.323 है जो कि मेरे पास 0.33 आ रहा है. तो तकरीबन ये बहुत करीब है, इतना एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ये वो कैलकुलेशन होती है जिससे आप किसी भी सर्टेन पॉइंट पे आप जो है ना वो रूट लोकस को लेके जा सकते हैं. अच्छा, कोई बात यहाँ पे पूछनी है तो आप पूछ लो. सर हम इस MATLAB के अंदर स्पेसिफिक पोल लोकेशन सर्च कर सकते हैं रूट लोकस में, इसमें है ऑप्शन. दोबारा कहो सर. जो आपने तो रूट लोकस के ऊपर एस्टिमेट करके लगाया तो हम सर्च कर सकते हैं इसके अंदर. हाँ, एक और कमांड भी होती है rlog find की, लेकिन इसमें बहुत कमांड्स हैं. MATLAB के अंदर बहुत ज्यादा टूल्स हैं और ये कि वो आप लोग आराम से इसको जो है ना वो व्यू कर सकते हो. एक मैंने सिंपल रूट लोकस बनाया और यहाँ पे मैंने जो है ना एक कमांड है
अब ये मेरे पास है, ये मेरे पास एक कर्सर आ गया, अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैं जिस पॉइंट पे भी क्लिक करूंगा ना मुझे वहां की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं 2 पे गया यहाँ पे और मैं इसके करीब गया यहाँ पे, मैंने कहा कि भाई इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन मुझे दो और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये आपको प्लस नजर आ रहा होगा और यहाँ का गेन और यहाँ पे जो क्लोज लूप पोल्स की वैल्यूज हैं ये मेरे पास मैटलैब विंडो पर आ जाएंगी। तो ये गेन हो गया और ये क्लोज लूप पोल्स की वैल्यूज है और ये सिलेक्टेड पॉइंट है जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया था, मतलब जो नियर द रूट लोकस। तो अगर आर लॉग फाइंड कमांड है उसे भी आप कर सकते हो, इसमें बहुत सारी कमांड है जो आप इंटरनेट पर सर्च करो आपको मिल जाएंगी। मुझे यहाँ पर एक और जो आखिरी बात बतानी है कि मैं अपना लेक्चर एंड करूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज कवर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसपे आप प्रैक्टिस करना। वो ये वाला पॉइंट है, इसको आप गौर से समझो, इसको, इस पूरे प्रॉब्लम को। वो क्या कहता है यहाँ पे कि जी आप मुझे उस गेन के की वैल्यू बताएं जिसपे मेरे पास लेट सपोज 60% ओवरशूट है। मैं इसको पूरा जो है ना सवाल को ड्रॉ तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको यहाँ से पूरा एक पॉइंट समझाता हूँ इसका, कि ये कहना क्या चाह रहा है। लेट सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। और ये मेरे पास एक सिस्टम गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर ये सिस्टम गिवन था और मुझे रूट लोकस भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल रूट लोकस मुझे गिवन है और ये रूट लोकस मेरे पास हो गया इसका जो ये बना हुआ है। अच्छा, मुझे ये कहा जाता है कि जी ये बताओ कि गेन की वैल्यू निकालो, इस गेन की वैल्यू निकालो, फाइंड गेन के फॉर 60% ओवरशूट, कि सिस्टम का ओवरशूट 60% हो जाए। तो ये काम मैं कैसे करूंगा, मुझे रूट लोकस गिवन है और मुझे ये जो है ना ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। तो जब 60% ओवरशूट मुझे कहा गया तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, e माइनस जीटा पाई डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 60%। मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा और मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा जीटा की। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये वैल्यू आपके पास आई 0.45 की। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा, तो मेरे पास यहां से इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज मैं इसका एंगल जो आपके पास हो गया 0.45 और मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो मेरे पास ये एंगल बना 63 degrees। ये आप कॉन्सेप्ट समझो, ये मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, रूट लोकस भी गिवन है और मुझसे कहा जा रहा है कि जी गेन की वैल्यू निकालो के की जब 60% ओवरशूट हो। तो लेट सपोज 60% में मेरे पास जो है ना वो जीटा फॉर एग्जांपल ही आया, लेट सपोज कि जी ये वैल्यू है, सीधी बात है गलत वैल्यू है, 0.45 उससे रिलेट नहीं करेगी 60% जो भी वैल्यू है। लेट सपोज 0.45 में मेरे पास 63 degrees आया, 63.25, मैंने 63.25 पर एक लाइन ड्रॉ की 63.25 पे, ये ध्यान में रखना मुझे रूट लोकस गिवन है, या मैं लिख देता हूं मैंने जब 63.25 पे लाइन ड्रॉ की तो उसके बाद मुझे क्या हुआ, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, आई गॉट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ऑफ द जीटा लाइन विद द रूट लोकस, अगर मेरे पोल्स यहां पर आ जाएंगे तो मेरे पास सिस्टम को ओवरशूट 60% हो जाएगा। अगर दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मेरे पोल्स मतलब मेरा जो रूट लोकस है वो तो ये रूट लोकस है, ये मेरे पास सिस्टम का रूट लोकस है, ठीक है।
तो मेरे पास ये मेरी जीटा लाइन है, जब मेरा ये जीटा लाइन रूट लोकस से इंटरसेक्ट करेगा तो आई गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये पोल्स की कोई वैल्यू होगी जो आपको डिटरमिन करनी होगी। ये पोल की वैल्यूज फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज -1.98 ±2.9j फॉर एग्जांपल यू फाउंड दिस वैल्यू। जब ये वैल्यू तुम निकाल लोगे उसके बाद एग्जैक्टली वही प्रोसीजर रिपीट करना है कि इसकी ट्राइंगल्स बनाने हैं और लेंथ निकालनी है और फिर तुम्हारे पास फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर उससे गेन के की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, मतलब क्या यहां पर लेट मी ड्रॉ दीज लाइंस। पहली लाइन आपके पास कौन सी होगी, लेट सपोज वो यहां से यहां तक की लाइन होगी। दूसरी लाइन आपके पास कौन सी होगी, वो यहां से यहां तक की लाइन है आपके पास। तीसरी लाइन आपके पास कौन सी है, वो जीरो की लाइन है आपके पास, वो ये लाइन है जो कि थोड़ा निकालना डिफिकल्ट होगा। और चौथी लाइन आपके पास, वो आपके पास ये वाली लाइन है। ये चार लाइंस की मैं लेंथ निकालूंगा और फिर मैं उसमें इंसर्ट करूंगा अपने फॉर्मूले में। मिसाल के तौर पे ये आपके पास हो गया P1, ये आपके पास हो गया P2, ये आपके पास हो गया Z1 और ये आपके पास हो गया Z2। मैं सब कैलकुलेशन इसलिए डिटेल में ये पूरी बता रहा हूं ताकि ये बाद में इस्तेमाल होंगी और फिर आपको आनी चाहिए ये। इससे गेन के की वैल्यू निकलेगी, इस गेन पर आपके पास सिस्टम का ओवरशूट जो है ना वो जो रिक्वायर्ड है वो मीट कर जाएगा। ये मैं पूरी बात दोबारा समझाता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ पहले, लेकिन यहां पर एक नए अंदाज में ये सवाल यहां पर इस एग्जांपल के अंदर है बुक में। फॉर एग्जांपल आपको एक सिस्टम गिवेन है, ये एक सिस्टम आपके पास है और रूट लोकस भी आपके पास गिवेन है, वही रूट लोकस ये वाला है जो ऑरेंज आपके पास लाइन है गिवेन है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी फाइंड द गेन के फॉर 60% ओवरशूट, इसके अलावा सवाल नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज गिवन एंड दिस इज गिवन। तो अब आप किस तरह प्रोसीड करोगे 60% ओवरशूट से? सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप जीटा की वैल्यू डिटरमिन करोगे और फिर थीटा डिटरमिन करोगे। रूट लोकस आपको गिवन होगा ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ग्रेड उस पर बना हुआ होगा, तो आप ये लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये लाइन जो आप, ये वाली लाइन जो है जीटा 0.45 वाली लाइन, ये आप ड्रॉ करोगे एंड यू विल डिटरमिन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द रूट लोकस। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, जो कि लेट सपोज यहां पर ये है, यहां भी मैं दोबारा लिख देता हूं लेट सपोज, क्योंकि ऐसा ना हो कि बिलावजे बाद में आप समझो यही एग्जैक्ट पॉइंट है। लेट सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप मालूम हो गया, इसके बाद आप यहां से जो है ना उस सारे पोल और जीरो से जो है ना लेंथ डिटरमिन करेंगे लेंथ। तो आपके पास ये ग्रीन लाइन जो है ये P1 हो गई, ये सेकंड ग्रीन लाइन P2 हो गई, फर्स्ट येलो लाइन Z1 और सेकंड येलो लाइन है Z2। ये चारों लेंथ आप पाइथागोरस से डिटरमिन करेंगे। जब आप डिटरमिन कर लेंगे, आप इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। वो के आपके पास सिस्टम का गेन होगा जिस पर आपका वो परसेंट ओवरशूट मीट कर जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें आप पूछ लो मुझसे। अच्छा, अगर इसमें से कोई आपको कंफ्यूजन मतलब नहीं है, ये सब क्लियर है, तो ये कि सैटरडे को प्रिपेयर करके आना, मतलब चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों। और अगर चैप्टर 8 में कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, ताकि उस पर जो चीज़ कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए वो मैं दोबारा उस पर लिख दूँ, उस पर जो है ना जवाब लिख दूँ उस पर। बाकी वीडियो ट्यूटोरियल सारे पूरे मौजूद हैं, सब कुछ है। तो अगर कोई अभी सवाल मौजूद नहीं है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछना, तो वील एंड द सेशन। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और उसके बाद We'll finish the session. ठीक है, let me take the attendance. सैयद एहसन तक हो गया।
ठीक है, तो ये अटेंडेंस एक सेकेंड एसन तक हो गई है, रिमेनिंग आपके पास जो है ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले ली है, अगर आपको मतलब लीव करना है तो आप लीव कर लें, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, वरना आई विल फिनिश द सेशन। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।